आज इसी पर झारखंड सरकार ने ये हम लोग मंत्रिमंडल विगत कैबिनेट बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं, कैबिनेट बैठक हम लोग निर्णय लिए कि हम इस राज्य में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और जिस पर सारे इस राज्य के जो भी मैंने उच्च स्तरीय कमेटी में और उसकी हमारे विभाग की मंत्री जो आदिवासी गए तो आदिवासी विभाग का मंत्री अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और इसको कमेटी गठित करने के बाद सभी तरह का लोगों सदस्य बनाए जाएंगे। इस कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेंगे, विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और सभी जैसे रिटायर्ड जज या स्कूल का कॉलेज का प्रोफेसर उनके बुद्धिजीवी डॉक्टर इस तरह का एक बड़ी कमेटी बनेगी। वह कमेटी असम जाएगी, असम जा करके ये जांच करेगी जब 100 वर्ष से ज्यादा यहाँ के आदिवासी असम में गए हैं उसको अभी तक आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं मिला, ये तो हमारा इंडिया का बाहर में इंडिया में ही है। जब भारत देश के अंदर में ये दो नीति कैसे, हम यहाँ झारखंड में आदिवासी और असम में जाएंगे तो हम नॉन ट्राइबल कैसे हो जाएंगे। दूसरा सवाल है ये वहां पर ये प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है, कमिटी जांच करें, ये यहाँ का आदिवासी है और वहां पर प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है, कमिटी जांच करें जस्ट। और ये जांच रिपोर्ट कर सारे सरकार को दे रिपोर्ट जमा कर, ये एक जगह का आदिवासी जब दूसरे जगह रोजगार के लिए जाता है उसका तो जाति नहीं बदलता, जाति बदलने भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा तो गलत होगा। इसीलिए उच्च स्तर कमेटी जांच करेगी वहां प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है, वहां पर 100 वर्ष से ज्यादा हो रहा है, वहां पर आदिवासी के नाम से जाति प्रमाण नहीं बन रहा है, आज भी वहां का आदिवासी को जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। और आज सबसे बड़ी दुखदायी बात वहां का आदिवासी को ना राज्य सरकार का सुविधा मिल रहा है ना भारत सरकार का सुविधा मिल रहा है। राज्य सरकार का सुविधा इसलिए नहीं मिल रहा है, राज का जो वैकेंसी निकलता है वो आदिवासी है, आरक्षण सुविधा नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार का आरक्षण सुविधा भी नहीं मिल रहा है। अब भारत सरकार से जो वैकेंसी निकलती है चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो जब है उसमें भी आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि आदिवासी नहीं है, तो दोनों तरफ से गए। राज्य सरकार का भी आरक्षण नीति से वो उसको नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार का वैकेंसी में आरक्षण नीति नहीं मिल रहा है, तो दोनों तरफ से वो मैंने जूझ रहा है। इसलिए हमारा जो पिछले दिन कैबिनेट में हम लोग निर्णय लिए हैं उच्च स्तरीय कमेटी आसाम में जाकर बात सरकार से बात करेगी कि ये जो है यहाँ का आदिवासियों को आप प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है, क्यों आप बोल रहे हैं और आदिवासी जाति अनुपात क्यों नहीं बना रहे हैं, और इसको ये जान लिख करके आरक्षण से आप ये करके रखे हैं, आरक्षण से आउट करके रखे हैं, ना राज्य सरकार का आरक्षण मिल रहा है ना केंद्र सरकार का आरक्षण मिल रहा है। इसीलिए ये उस उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उच्च स्तरीय में ये भी हम लोग रिपोर्ट में मेंशन होगा कि जो भी लोग इस तरह वहाँ अपने ये महसूस कर रहा है कि असम सरकार हमें यहाँ जबरन रखा गया है, उस तरह का शिकायत अगर मिलता है तो वैसे लोगों का भी सूची बना करके हम लोग राज्य सरकार को सौंपेंगे और उससे तो राज्य सरकार निर्णय लेगी कि असम में इतने आदिवासियों को जबरन असम सरकार की ओर से
कोशिश कर रहा है, सफल हो रहा है, वह महसूस करे कि हम हक अधिकार हमारा नहीं मिल रहा है। पूरा देश में जब आदिवासी का सूची में पूरा देश लागू होना चाहिए। ये आसाम में ही क्या ऐसी बात है कि आसाम में जो गए उसका आदिवासी को आदिवासी नहीं माना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति आएगा कि हम आसाम के जितने आदिवासी हैं, अगर वो लोग इच्छा करें तो ये रिपोर्ट अगर हमारा कमिटी की ओर से रिपोर्ट आएगी तो वैसे आदिवासी को हम झारखंड वापस लेने के लिए भी हम हमारी सरकार विचार करें।